देखिए छठा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदता है। बाद में वह उसी प्रकार के 3 बैट और 5 बॉल 750 रुपये में खरीदता है। प्रत्येक बैट और बॉल की कीमत ज्ञात करें। ठीक है, ये कोच जो है मान लीजिए कि एक दुकान पर जाता है, ठीक है, और दुकान पर जाता है, 7 बैट लेता है और 6 बॉल लेता है, और ये दोनों का जो कीमत होता है टोटल वो 3800 रुपये होता है। ठीक है, और ले आता है फिर घर, फिर देखिए कुछ दिन के बाद फिर वो जाता है उसी दुकान पे। तो अबरी जो है वो 3 बैट खरीदता है और गेंदा खरीदता है 5 गो, तो इसका दाम जो होता है 1750 रुपये होता है। तो कह रहा है कि 1 बैट और 1 बॉल की कीमत ज्ञात करें क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, मान लिया कि प्रत्येक बैट की कीमत 100 रुपया तथा प्रत्येक बॉल की कीमत 100 रुपया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ मान लीजिएगा, मान लिया कि प्रत्येक बैट की कीमत बराबर 100 रुपया। ठीक है, एक बैट की कीमत जो है हमारे यहाँ की 100 रुपया है तथा प्रत्येक बॉल की कीमत बराबर ₹100 और एक गेंद जो है उसका कीमत हम माने हैं कितना ₹100। यहाँ लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से देखिए कोच जो है बैट बॉल के जो दुकान होता है वहाँ जाता है। ठीक है, वहाँ जाता है तो ये 7 गो बैट खरीदता है, बैट कितना खरीदता है 7 गो, और बॉल जो है ये 6 गो खरीदता है, और दोनों का जो टोटल दाम होता है वो है 3800 रुपया। तो देखिए एक बैट की कीमत हम क्या माने हैं 100 रुपया, एक बैट का कीमत, और के वो खरीदना है 7 बैट, तो क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। मान लीजिए कि आप दुकान पर गए और एक बैट का दाम पूछे, दुकानदार बोला कि एक बैट का दाम 100 रुपया है, आपको 7 बैट खरीदना है, तो क्या करिएगा, इसमें 7 से गुना करिएगा कि नहीं, यानी 700 हो जाएगा। तो देखिए एक बैट का दाम 100 रुपये माने हैं, तो 7 बैट का कितना दाम हो जाएगा 7x+ एक बॉल का कीमत हम क्या माने हैं y, और ये 6 बॉल खरीदता है तो 6y का दाम हो जाएगा। मान लीजिए कि एक बॉल का कीमत दुकानदार जो है 50 रुपये बताया, आपको 6 बॉल खरीदना है, तो क्या करिएगा, इसको 6 से गुना करिएगा, ये 7 गो बैट और 6 गो बॉल ये खरीदता है, तो इसका दाम जो है 3800 रुपया है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर देखिए यहाँ लिखिएगा फिर प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, प्रश्न को फिर पढ़िए, 3800 रुपये में खरीदा, बाद में वह उसी प्रकार के, फिर वो दुकान पर जाता है, अबरी जो है ये 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है, तो 1750 रुपये इसका दाम होता है। ठीक है, 1750 रुपया में 3 बैट और 5 बॉल ही खरीदता है। देखिए इस बार जो है ये 3 बैट और 5 बॉल, तो इसका जो दाम है वो है 1750 रुपया। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ये आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, ठीक है, इसको मत लिखिएगा। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो x y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है 7x+6y=3800, समीकरण 2 देखिए 3x+5y=1750। इसको सॉल्व करिए, देखिए इसमें देखते हैं कि ये 6y है, ये कितना है 5y है, तो समीकरण 1 में गुना करिए 5 से और समीकरण 2 में गुना करिए 6 से, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए गुना करिए, तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7×5 35x, ठीक है, प्लस 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30y बराबर, अब 3800 में 5 से गुना करिए, तो देखिए 19000 हुआ,
अब चलिए 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18x प्लस 5 में 6 से गुना किए 30y बराबर 1750 में कितना से गुना करना है 6 से 1750 में 6 से गुना करेंगे तो 0 6 35 6 42 3 45 6 4 10 ये हुआ 10,500। देखिए दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ लिखिए घटाने पर तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 35x में 18x घट जाएगा बचेगा कितना 17x, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। 19,000 में 10,500 घटाइएगा तो बचेगा 8500। ठीक है तो x बराबर 8500 बटा ये गुना में है 17 तीसरा के बटा में हो गया। देखिए 17 5 85 00 है यानी x का जो मान आया वो 500 आया। अब क्या करेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है से पहले लिखिए। देखिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7 गुना x, x का मान आया है 500 प्लस 6y बराबर 3800। 500 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3500 प्लस 6y बराबर 3800। 6y बराबर 3800 माइनस 3500 यानी उधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो गया तो 6y बराबर 3800 में 3500 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 300। तो y बराबर 300 बटा 6। देखिए 6 5 30 10 बच रहा है तो 10 हम बैठाइए यानी y का मान कितना आया 50। अब देखिए xy का हम मान निकाल लिए तो xy को हम क्या माने हैं से देखिए। यहाँ देखिए x को हम माने थे प्रत्येक बैट की कीमत, y को हम माने हैं प्रत्येक बॉल की कीमत और यही प्रश्न में कह रहा है निकालने के लिए तो लिख दीजिए। अब अतः प्रत्येक बैट की कीमत बराबर 500 रुपया तथा प्रत्येक बॉल की कीमत बराबर 50 रुपया। ठीक है यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 500 और 50 आप आंसर लाए हैं ये सही है कि गलत है कैसे इसको चेक करेंगे से देखिए। तो प्रश्न क्या कर रहा था कि 7 बैट और 6 बॉल का कीमत 3800 रुपया है तो इसको से आप मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 बैट तो 7 बैट का दाम कितना हो जाएगा तो 7 गुना 500 कर दीजिए प्लस 6 बॉल तो 1 बॉल का कीमत 50 रुपया है तो 6 बॉल का कीमत 6 गुना 50 हो जाएगा तो 7 5 कितना हो गया 3500 और प्लस 50 में 6 से गुना करिएगा 300 तो 3500 300 कितना हो गया 3800 हुआ कि नहीं यानी वो कोच जो पैसा दिया बिल्कुल सही पैसा दिया था। तो आप आंसर जो लाए हैं बिल्कुल सही लाए हैं। ठीक है चेक ऐसे ही किया जाता है।